आज 13 नवंबर 2018 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। कार्तिक मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। मेष राशि वालों के लिए स्थिति है कि आपके आसपास के लोग आपको और आपके प्रदर्शन को बहुत पैनी दृष्टि से देख रहे हैं। लोगों से आपको जो मदद या सहायता मिल रही है उससे भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है। ऐसे में खुद पर और अपने काम पर भरोसा करने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी बड़ी उपलब्धि की नींव उस भरोसे पर रखी जाती है जो आपसे मेहनत करवा ले। आपके काम या कारोबार के क्षेत्र में इस समय उसी भरोसे की कमी है। वृषभ राशि वालों के लिए पारिवारिक परिस्थितियों में आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक नहीं है और लोग आपके खिलाफ होते चले जा रहे हैं, जबकि बड़ी सच्चाई यह है कि आपने अपने व्यवहार को बहुत सख्त करके अपने लिए ऐसी परिस्थितियाँ बना रखी हैं। अगर लोग आपसे हटते चले जा रहे हैं तो आपको भी अपने अंदर झांकने की कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए इस समय में? हालात अपने आप से किसी के लिए भी सुखद हो जाए ऐसा होता नहीं, पर अपनी कोशिशों से उन हालात को सुखद बनाया जा सकता है। मिथुन राशि वालों को अपने ज्ञान और अपनी काबिलियत को बढ़ाना है तो अपनी मेहनत को भी बढ़ाना पड़ेगा, और इस समय यही कमी का क्षेत्र नजर आ रहा है जिसके चलते आपके प्रदर्शन में बहुत सारा व्यर्थ का उतार चढ़ाव बना हुआ है। क्या करना चाहिए इस समय में? मन इस बात को लेकर परेशान है कि आपकी बात समझी नहीं जा रही और आपकी अच्छी कही हुई बात में भी गलतियां निकाली जा रही, जबकि सच्चाई है कि कोई आपका गलत फायदा उठाना चाह रहा है और आपको इस बात का आभास नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए निजी जिंदगी में सुख है, पर आप कुछ ना कुछ ऐसा कहते चले जा रहे हैं जो किसी के दिल को दुखा सकता है। जब भी ऐसा हो तो अपनी मानसिकता भी बिगड़ती है और लोगों पर भरोसा भी उठ जाता है। इस सारे खेल में कुछ ना कुछ हद तक गलती आपकी भी है। सिंह राशि वाले ये समझ लें कि अपनी कोशिशों से आप बहुत कुछ संभाल सकते हैं, पर परेशानी यह है कि आपका मन नहीं है और आपकी लगन कम होती चली जा रही है। इसके चलते आप एक दिन तो मेहनत कर लेते हैं लेकिन अगले दिन आपका मन उचाट हो जाता है। क्या करना चाहिए समूह? अगर किसी भी बात को समझने में कोई कमी रह रही है तो कोई और सलाह ली जा सकती है। कन्या राशि वालों का रिश्तों के प्रति झुकाव अच्छा है और आप अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन खर्चे कुछ ऐसे हैं जिसका बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है, इसलिए बहुत सारी योजना बनाकर चलना होगा। तुला राशि वालों की पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद आपके ऊपर कई तरह के दबाव हैं। एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि आप अपने भाई बहनों से बहस करते चले जा रहे हैं जिसका असर आपके निजी जीवन के रिश्तों पर आ सकता है। ऐसी किसी भी स्थिति से बचकर निकल जाना होगा। वृश्चिक राशि वालों की कामकाज की स्थिति मध्यम है और आपको लगता है कि आपकी क्षमताएं उससे कहीं बढ़कर हैं, पर किसी भी तरह के बदलते हुए दौर में ऐसे विचार बनते चले जाएं ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, इसलिए अपने कामकाज की स्थिति को संभाले रखना बहुत जरूरी होगा। धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी ठीक है और कामकाज की स्थिति धीरे धीरे संभल ही रही है। ऐसे में किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक एक करके बहुत सारी चीजें खुद ब खुद संभलती चली जा रही है। क्या करना चाहिए समूह? अपनी आर्थिक स्थिति को इस रूप से देखें कि आपने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ पाया है। ये और बात है कि अभी भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है जिसे धीरे धीरे अंजाम दिया जा सकता है। मकर राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक है पर लोग आपसे खुश नहीं। हो सकता है ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती हो जो आपके कामकाज की स्थिति को भी डावाडोल करती चली जाए। आपके मन की घबराहट का भी यही एक बहुत बड़ा कारण। क्या करना चाहिए समय? जिंदगी में भरोसा बनाए रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही और गलत भरोसे के बीच जो फासला है वो बहुत ही महीन होता है। कुंभ राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार है, पर लोगों की सहायता उस रूप से नहीं बन पा रही है जिसकी आप उम्मीद लगा रहे हैं। ऐसे में अपने दम पर बहुत कुछ करने का जज्बा बनाए रखना होगा और इस वजह से अपने मन में बिठाए हुए भटकते हुए विचारों को भी थामना होगा। मीन राशि वालों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जिसमें सेहत से जुड़ी परेशानियां भी शामिल हो सकती हैं। किसी भी तरह की चोट से बचना होगा और बहुत संभल कर चलना होगा। कभी कभी आगे बढ़ने के बजाय रुक जाने में ही भलाई होती है। क्या करना चाहिए समूह? पैसे की स्थिति को इस रूप से देखें कि आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं और आपके लिए बचाव का माहौल भी बना रहे। किसी भी तरह के ऐसे काम में हाथ डालने से बचे रहें जो आपके लिए नुकसान की स्थिति पैदा करें।